जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि पीस लिली के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट भी करने वाले हैं, यानी कि उसको एक ऐसा फर्टिलाइज़र देने वाले हैं जो गर्मियों में ठंडा भी रहेगा और उसको हरा भरा भी बनाए रखेगा। पीस लिली अगर आपका ख़राब हो रहा है तो भी आपको यही फर्टिलाइज़र उसको देना है, यही ट्रीटमेंट आपको उसके साथ करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी, वहाँ से आप मुझसे कोई भी प्लांट खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, पीस लिली एक ऐसा पौधा है जो फरवरी से लेकर के नवंबर तक बहुत अच्छे से ग्रो होता है। थोड़ा सा मई और जून का एक ऐसा समय होता है जब उसके पत्ते थोड़े से बर्न होने लगते हैं और थोड़े से ख़राब होने की कंडीशन में आ जाते हैं। बाय रूट्स वो पौधा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि कहीं वो ख़राब नहीं हो रहा हो, तो हम उसमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र, केमिकल वाला और बहुत सारी चीज़ें देने लग जाते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी वही आपको देना है। पहले आप पीस लिली की कंडीशन देख लीजिए। देखिए, मेरे पीस लिली में यहाँ पर पत्ते जो हैं ऊपर की तरफ से बर्न होना चालू हो गए हैं और नीचे की तरफ से न्यू ग्रोथ भी हो रही है। तो ऊपर की तरफ से पत्ते बर्न होना तभी चालू होते हैं जब हीट वेव होती है, यानी कि गर्म हवाओं का प्रकोप होता है, तभी ये जो पौधा है वो इस तरीके से ख़राब होने लगता है। कोई नई बात नहीं है, मैंने नर्सरी में भी चेक किया है, वहाँ भी कुछ पौधे इसी तरीके से इस मौसम में होने लगते हैं। तो इस मौसम में आपको सिर्फ एक बार नहीं, मई और जून दोनों में कम से कम 2 महीने में 4 बार, यानी कि 1 महीने में 2 बार, 15 दिन में 1 बार ये काम आपको करना है। देखिए, न्यू ग्रोथ भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये रूट्स से ख़राब हो रहा है, ये गल नहीं रहा है, ये ऊपर से गर्म हवाओं से ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर गर्म हवाओं को ठंडी हवाओं में तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ इस पौधे को शेड में रख दीजिए तो ये इसको थोड़ी ठंडक मिलेगी। लेकिन मेरे यहाँ ये पौधे शेड में ही रखे हुए थे, उसके बाद भी इनके ऊपर गर्म हवाओं का प्रकोप हो रहा है। तो अब ये जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिएगा आप, मेरे पास 3 पौधे हैं और तीनों पौधों में नीचे से काफ़ी ग्रीन और हेल्दी हैं। देखिए, स्टेम्स काफ़ी हेल्दी है, देखिए इसकी भी बर्ड्स सूखने लगी है। मैं बहुत अच्छे से, मतलब पौधों में, तीनों पौधों में मेरे फ्लावरिंग हो रही थी लेकिन बर्ड्स ओपन ही नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक काम आपको करना है, सबसे पहला काम, कि पौधे को आप ठंडक नहीं दे सकते, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले फंगीसाइड डालना है। पीस लिली को 15 दिन में एक बार फंगीसाइड ज़रूर डालें। फंगीसाइड सिर्फ पीस लिली ही नहीं, जितने भी इंडोर प्लांट अभी आपके पास है और आपने शेड में रखे हैं, उन सभी प्लांट्स को आपको जो है फंगीसाइड दे देना चाहिए। खुले ओपन एरिया में आप इन प्लांट को रखें, ज़्यादा पैक करके ना रखें इस समय, क्योंकि बाहर की हवा अगर हिट है तो भी लगने दीजिए। हवा से, जड़ों को जब हवा लगती है ना, तो पौधा मरता नहीं है, चाहे ऊपर से मुरझा जाएगा, जल जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाला काम है। जब फंगीसाइड डालें तो आप इसके जो है जड़ में, स्टेम में फंगीसाइड ज़रूर डालें, क्योंकि वो बाय रूट्स नीचे उतरेगा और फिर अगर फंगस स्टेम में भी लगी होगी तो वो भी हट जाएगी। वैसे इससे हीट वेव पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसके लिए कूल फर्टिलाइज़र आपको देना चाहिए। तो सबसे पहला काम फंगीसाइड देना, और फिर आपको दूसरा काम क्या करना है, फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, तीनों में मैंने फंगीसाइड दे दिया है और तीनों की जो है स्टेम है, जो डायरेक्ट रूट से कनेक्ट होती है, मेन रूट से कनेक्ट होती है, उसमें डायरेक्ट फंगीसाइड चला जाएगा ताकि पौधा हमारा जड़ से ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर पहला कूल फर्टिलाइज़र हमारा है सागरिका का सीविड। ये तो सागरिका कंपनी है, बट सीविड यानी कि समुद्री उत्पाद होता है, समुद्री जो है शैवाल है, उनसे फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। दूसरा जो है उसके साथ आपको मिक्स करना है यहाँ पर ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और यहाँ पर इस पर लिखा है जैविक खेती के लिए उपयुक्त, यानी कि फुल्ली ऑर्गेनिक है। सीविड भी पूरा ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है, समुद्री शैवालों से बना हुआ है, और ये जो ह्यूमिक एसिड है वो भी पूरी तरह ऑर्गेनिक है, उसके ऊपर लिखा है। यहाँ पर अब आपको एक चीज़ और लेनी है, जब आपके पत्ते अगर बर्न हो रहे हैं, खूबसूरती पौधे की ख़राब हो रही है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ऐड करनी चाहिए। ये है, आप पहचान ही गए होंगे, खाने वाला चूना। इससे पौधे में शाइन, उसके पत्तों में शाइन, और ये देखिए 3 पौधों में ये इतना सा
एक पौधे में, माफ़ कीजिएगा, एक पौधे में ये इतना सा आपको लेना है। इससे पहले दो बार मैं मिक्स कर चुकी हूँ, तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर इतना सा मिक्स किया है। तो एक पौधे में आपको इतना सा डालना है, और ये हाफ़ ढक्कन जो है सीवीड, मेरे पास लिक्विड है, मैं अधिकतर लिक्विड ही खरीदती हूँ, क्योंकि ग्रेन्यूल को मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, और ग्रेन्यूल आपको डायरेक्ट मिट्टी में देना होता है, वो स्लो रिलीज़ होता है, ये जाके फास्ट जो है असर करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हाफ़ टी स्पून है आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड में क्या होता है, ह्यूमिक एसिड में फॉलिक एसिड होता है, यानी कि आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सब कुछ होता है इसके अंदर, और यहाँ तक कि पौधे को जो मॉइस्चर है वो भी यही फर्टिलाइज़र देता है, इसलिए इसे ठंडी खाद भी कहा जाता है। ह्यूमिक एसिड एक तरीके से मार्केट में मिलने वाली ठंडी खाद है। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप बायो एंजाइम जिसे कहा जाता है ना, वो होता है एक ह्यूमिक एसिड का काम बायो एंजाइम करता है, उसमें भी सब कुछ होता है, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, जितने भी इन माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मुझे याद है वो मैंने बता दिए, तो वो सब उसमें बायो एंजाइम में भी होता है, वो भी परफेक्ट होता है आपके पौधों के लिए। लेकिन अगर आप बना नहीं सकते तो इस तरीके से ये दोनों तीनों चीज़ें मिक्स करके आप अपने पौधों में अच्छे से दे दीजिए, पहली बार में अच्छे से दे दीजिए, ताकि नीचे से पानी बह के निकल जाए, मतलब जो भी है खाद वगैरह, तो नीचे की रूट्स तक पहुंच जाए। इससे क्या होगा कि पौधे में चमक बनेगी। मैंने आपको कहा ना, चूना जो है वो काफ़ी चमक बनाए रखेगा, ह्यूमिक एसिड पौधों में मॉइस्चर बना के रखेगा, मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी बना के रखेगा, और जो सीवीड है वो पौधों की जड़ों को ताकत देगा। तो अभी गर्मियों में आपको अपने पीस लिली में यही खाद देनी है, हर 15 दिन में एक बार आप अपने इस पौधे में ये खाद दीजिए, फिर देखिए एक महीने के अंदर, थोड़ा समय लगेगा, जैसे ये जो प्लांट है ना, जितने बर्न हुए हैं इसको ठीक होने में एक महीना लगेगा, एक महीने बाद आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो इस तरीके से काम कीजिए तो आपके फूल भी आएंगे और आपके पौधे में पत्ते भी बहुत खूबसूरत रहेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई और जानकारी चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।